सामने वीडियो में आपको बहुत हैवी ब्लॉक्स एक ही जगह पर रखे नज़र आ रहे हैं। जिस जगह पे भी आपको हैवी कंस्ट्रक्शन करनी हो या आपकी स्ट्रक्चर का लाइव लोड बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पे आपको सोयल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है बहुत हैवी चाहिए। तो जिस जगह पे भी आपकी सोयल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी, आपने हैवी कंस्ट्रक्शन करनी है। जिस जगह पे ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं उस जगह पे ब्रिज का पियर बनेगा, जिस तरह साइड पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये पियर का, क्योंकि उसके ब्रिज के ऊपर लाइव लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को इनक्रीज़ करने के लिए इस तरह लाइव लोड को कई दिन तक रखा जाता है। तो उसके बाद टेस्ट किया जाता है, जब आपको रिक्वायर्ड बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाती है तो फिर उसके बाद इसको रिमूव किया जाता है। तो सारे गल्फ में यही मेथड है बेयरिंग कैपेसिटी को इनक्रीज़ करने के लिए।